बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार पसंद आई आपको? हाँ बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर जाएगी। हाउसफुल 1, 2, 3 से ये बेटर लगा? हाँ ये और अच्छी है। और सबके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे ज्यादा अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस अच्छी। गाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहले ही हिट हो चुके हैं, आपको कौन से गाना पसंद है? एक चुम्मा। हाँ ऑटो 5 स्टार कितने दोगे आप? 5। थैंक यू सो मच। अब दोनों साथ में आ जाओ। हाँ सो कैसी मूवी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी बनाया है अक्षय कुमार, माइंड ब्लोइंग काम है, काफी अच्छा काम किया अक्षय कुमार ने। स्टोरी पसंद आई आपको? स्टोरी काफी अच्छी है, काफी अच्छी स्टोरी है। पुनर्जन्म की 3 से ज्यादा बेटर कौन सा लगा आपको? हां ये काफी सबसे 4 लगा, ये काफी अच्छा, सबसे अच्छा लगा। गाने बहुत अच्छे, सबसे अच्छे है, स्टोरी अच्छा है, सब कंटेंट अच्छा है। ओके ऑटो 5 कितने स्टार दोगे? 4 स्टार। थैंक यू। ओके तो आउटपुट बोर्ड देखिए आपने कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। ओके कॉमेडी टाइमिंग की बात करें तो कॉमेडी सबसे ज्यादा किसकी अच्छी लगी? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, अक्षय और रितेश। हां ओके वन थिंग जो बहुत ही अच्छी लगी आपको मूवी में, ऐसी कौन सी चीज है? वो तलवार का गाना और वो तलवार वाला सीन, तलवार वाला एक सीन था वो। हां ओके 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 स्टार। सॉरी सो कैसी लगी मूवी आपको? मूवी एकदम हाउसफुल है, एक नंबर मुंबई की भाषा में, और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। आप सब इंजॉय कर सकते हैं घर पे, अगर आपकी फैमिली है आप लेके जाइए, क्योंकि अभी बहुत सारी छुट्टियां हैं तो इंजॉय कीजिए। मतलब स्टोरी पसंद आई आपको? या आई लाइक द स्टोरी, पंचेस, डायलॉग्स, कॉमेडी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग सब सही जगह पे है। मतलब एक परफेक्ट डिश है ये कॉमेडी फिल्म की, जो होनी चाहिए और बार बार देख सकते हो। बेस्ट पार्ट बहुत सारे एक्चुअली बेस्ट पार्ट्स हैं, बट अक्षय कुमार के जितने सीन्स हैं जब भी वो डायलॉग बोल रहे हैं वो बहुत बहुत अमेजिंग। अक्षय कुमार के अलावा और कौन पसंद है आपको? अक्षय कुमार के अलावा अक्षय कुमार। कितनी एंटरटेनिंग लगी आपको? बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, अगर आप सबसे बोल रहे हो, आप अगर नहीं देखे आप सब भी देखे आइए। थैंक यू। हाउसफुल 4 बहुत ही एंटरटेनिंग है, मैं पकड़ लेती हूँ। हाउसफुल 4 बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है। दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाइए कृपया करके, बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी, आपको बहुत मज़ा आएगा, कभी बोर नहीं करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ ऐसे सोचे कि कुछ बोरियत हो रही है या कुछ अजीब है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया आपको? सबसे ज्यादा मुझे अक्षय सर पसंद आए थे। अक्षय जी के अलावा और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, और एक्चुअली सबने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। जैसे राणा सर ने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है अपना, बिल्कुल अक्षय की तरह कैरेक्टर पकड़ा रखा है। इनफैक्ट सबने ही रितेश देशमुख वॉज ऑसम, सो बॉबी देओल वॉज ऑल्सो गुड, एंड अच्छा लगा उनको ऐसे देख कर वापस। और अक्षय सर इतने टाइम बाद आए हैं कॉमेडी लेकर, तो मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ऊंचा कुछ मिल गया है मुझे कि हाँ ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशन फुलफिल सैटिस्फाइड एकदम हो गई है। व्हाट अबाउट नवाजुद्दीन? नवाजुद्दीन वो लुकिंग सो क्यूट डांसिंग ऑन दैट सॉन्ग, एंड उन्होंने भी कैरेक्टर, क्योंकि वो आपको फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका भी एक डुअल पर्सनैलिटी का है, तो वो भी उन्होंने पकड़े रखा बहुत अच्छे से। एंड नवाज का पार्ट वाज वेरी गुड। ओके तो गाना पसंद आया आपको इस फिल्म में? हाँ मेरे को बाला, ऑफ कोर्स बाला अब सबका फेवरेट था और अब भी है, और मेरे को एक चुम्मा भी अच्छा लगा, एक चुम्मा, एंड नवाज वाला सॉन्ग वाज आल्सो गुड, भूत वाला। सो हाउसफुल 1, 2, 3, 4 में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पसंद आया? आई गेस मेरे को सबसे पहले हाउसफुल 1 पसंद आई थी, 2 वाज ओके, 3 मैंने देखी नहीं सॉरी, बट 4 ऑफकोर्स कोई मेरे से अभी भी पूछ रहा है कि कितने स्टार्स, तो मैं अभी भी बोल देती हूँ 20, 25 के कोई लेना देना नहीं है उससे, आउट ऑफ 5 इट्स 20। डू यू थिंक इट्स अ फुल पैसा वसूल मूवी आपके लिए? हाँ बिल्कुल, मैं और मेरे दोस्त यही डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारा हो चुका है इंटरवल तक ही पैसा वसूल, हो चुका है इंटरवल के बाद भी वो बोर नहीं करता है आपको, इट वॉज सो गुड। अगर लोग दिमाग नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छा कमाएगी, इट्स आउट एंड आउट कॉमेडी, बहुत एंटरटेनिंग है।